प्रेरणा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा से मुक्त तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु के हम सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने शिव चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका जस तीनों लोगों में फैला हुआ है। श्री प्रभुपाद की इसको इसमें कर 104 गौरांग करो ना करो। हरे कृष्ण। तो जैसे आप सबको पता है कि आज हमारे संप्रदाय के हमारे आचार्य श्री जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, उनकी तिरुभाव तिथि है, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। डेली उनको हम अल्टर में दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसी भजन के साथ शुरू करते हैं। गौरांग करुणा कर दीना हीना जने। गौरांग करुणा कर दीना हीना जने। गौरांग करुणा कर दीना हीना जने। मोसम पतित प्रभु, मोसम पतित नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा कर दीनहीन जने। दंते तृणधारी गौरा, दंते तृणधारी गौरा, डाकी है तुमार, डाकी है तुमार, कृपा करिए सो आमा, कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिर, हृदय मंदिर। गौरांग करुणा कर दीनहीन जने। गौ
कदी दया ना करिबे पतित देखिया जदि दया ना करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम पतित पावन नाम किसेर लागिया किसेर लागिया गौरांग करुणा कर दीनहीन ज भव तूफाने नाही कनिस्तार पड़ी तूफाने कनिस्तार पड़ी भव तूफाने नाही कनिस्तार दासे कर पार दासे कर पार गौरांग करुणा कर दीनहीन जने गौरांग करुणा कर दीनहीन जने मोसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने दंते तृण धरी गौर डाके हे तोमार कृपा करी एसो आमार हृदय मंदिर जदि दया ना करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेर लागिया पड़ी भव तूफाने नाही कनिस्तार श्री चरण तरणी दाने दासे कर पार कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास प्रार्थना कर ए सदा नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे निताई गौरा हरि बो हरि बो
हरि बोल हरि जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरुभावतिथि की पिताई गौर हरि प्रेमानंदे तो हमारा मंगल चरण में हम प्रतिदिन गाते हैं जो आचार्य वर्ग की, तो उसमें हमारा अल्टर में भी सबसे पहले जो जगन्नाथ दास बाबा जी, उसके बाद में गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर बाबा जी, फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, फिर भक्ति वेदांत प्रभुपाद। ये है श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। यद्यपि डायरेक्ट गुरु नहीं थे भक्ति विनोद ठाकुर के, लेकिन उनके शिक्षा गुरु थे। भक्ति विनोद ठाकुर उनको अपने शिक्षा गुरु करके मानते। श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज का हमारे संप्रदाय में विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर उनको बड़े गंभीर से लिए थे, क्योंकि उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के जो सही जन्मस्थान है उसको उन्होंने, यद्यपि रिसर्च तो भक्ति विनोद ठाकुर किए थे, उन्होंने उनको नोटिफाई किए, यस मोहर लगाए, वही है निर्दिष्ट किए। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आज के बांग्लादेश के मैमान सिंह डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने उम्र में छोड़ करके घर वैराग्य लेकर के ब्रज में आ गए थे भजन करने के लिए, और ऐसे उनके जो गुरु परंपरा है श्री बड़देव विद्याभूषण जो चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हैं, अनुयायी थे बड़देव विद्याभूषण, उनके शिष्य थे श्री उद्धव दास बाबाजी महाराज। श्री उद्धव दास बाबाजी महाराज के भेष धारण करके उनके शिष्य थे श्री मधुसूदन दास बाबाजी महाराज, जो ब्रज के प्रसिद्ध हैं सूर्यकुंड निवासी सिद्ध बाबा करके। मधुसूदन दास बाबाजी महाराज की सिद्ध पीठ है सूर्यकुंड में ब्रज में, तो उनके शिष्य उनसे भेष लिए थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। वो भी सूर्यकुंड में रह करके भजन किए थे अनेक वर्षों, तो उनको भी मधुसूदन दास को बाबा जी महाराज के बाद में वही मठ का सूर्यकुंड का सेवा मिला था, इसलिए उनको भी सिद्धपीठ सिद्ध बाबा कहते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के। उनके जमाने में पूरे ब्रजमंडल में जितने बाबाजी थे सभी में वो वरिष्ठ माने जाते थे, सभी उनको बड़े सम्मान करते थे। उसी समय में श्री भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन गए थे ब्रज दर्शन में, तो उनको जाकर मिले थे सूर्यकुंड में, उनका नाम बहुत सुने थे और उनके वैराग्य उनके भजन से प्रेरित होकर के श्री भक्ति विनोद ठाकुर, यद्यपि उन्होंने मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े गेस्टेड अफसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनको जाकर मिले थे और उनसे कुछ डिस्कशन करके उनसे कुछ उपदेश प्राप्त किए थे। उसके बाद में फिर उनको वृंदावन में नहीं मिले, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज फिर वृंदावन में नहीं रहे, वृंदावन छोड़ के फिर नवद्वीप चले गए।
वो उनके एक उनके पर्सनल सेवक थे, एक ब्रज के महबैरागी, उनका नाम था श्री बिहारी, बिहारी दास। वो उनके पर्सनल सेवक, बड़े हट्टे कट्टे मजबूत आदमी थे, लेकिन बाबा जी महाराज के प्रति उनका बड़ा निष्ठा था। उनको अपना सब कुछ मान करके नित्य हमेशा उनके सेवा में रहते थे बिहारी जी। और श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज भी उनको बहुत पसंद करते, उनके साथ में रहते थे। तो श्री एक दिन जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने डिसाइड किए, बोले नहीं मैं नवदीप जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। तो बाकी जो जितने सिर बाबा जी उनके साथ में थे और भी जहाँ जहाँ राधा कुंड में, कामा में, जहाँ जहाँ सब और वृंदावन में सभी रिक्वेस्ट किए, बोले आप पूरे ब्रज के मुकुटमणि है, आप क्यों जाना चाहते हैं। ब्रज में भी और जितने वरिष्ठ व्यक्ति थे सभी उनके प्रति बड़े सद्भावना रखते थे, सब आकर उनको समझाने लगे, बोले हम क्या करें, आपके लिए क्या व्यवस्था करें, आप ब्रज छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रहिए। तो उन्होंने बोले नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बिहारी मुझे ले चल। तो वृद्ध हो चुके थे, उनको बिहारी जी लेकर जाते थे, तभी जमाने में तो ये थ्री व्हीलर टू व्हीलर ये सब था नहीं, तो एक टोकरी के अंदर डाल करके सर में ले करके जाते थे जाने के लिए। तो मुझे ले चलो, तो ले करके उनको सूर्यकुंड से मथुरा लाए, मथुरा में ट्रेन में टिकट करके उन्होंने कलकत्ता हावड़ा चले गए, नवदीप चले गए। जब सारे उनको आकर के रिक्वेस्ट किए, स्टेशन तक आए, बोले नहीं नहीं मत जाइए मत जाइए, रुको। तो उनका कहना था नहीं यहाँ मैं नहीं रहूँगा, यहाँ मुझे मेरा काम नहीं बनेगा, क्या ना मुझे कृपा नहीं मिलेगा, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं इतने अच्छे नहीं हूँ जो यहाँ के विधि विधान को पूरा कर सकूँ, यहाँ तो भारी स्ट्रिक्ट है। बोले क्या स्ट्रिक्ट है, क्या बात बताएं, हम क्या करें आपके लिए। बोले आपकी बात नहीं है, बोले ब्रज तो ब्रज के रानी है माँ जशोदा, नंद बाबा राजा हैं तो राजरानी हैं, और हमारे लाला, बोले मैं जिसको भजन करता हूँ, हमारे जो प्रभु हमारे इष्टदेव लाला, उनने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। क्या मिस्टेक किया था, बोले उनके जमाने में दूध के लीटर तो एक रुपया भी होगा कि नहीं, इतने चीप था, और उनके घर में सैकड़ों हजारों लीटर दूध होता था जशोदा माँ के घर में, 5-7 लीटर दूध का मटका एक फोड़ दिए, इसके वजह से मेरे लाला को अरेस्ट कर दिया गया, बांध डाले। जब उनको एक एक एकलौते बेटा था, राजपुत्र था, और एक दूध के मटके तोड़ दिए, मटका का कितना दाम होगा, और दूध 5-7 लीटर था, दही दही भी था, दूध नहीं था, दही था, तो उसको तोड़ दिए। तो उनको माँ ने डांटी और बांध डाली, छड़ी उठाती पिटने के लिए धमकी दी थी, पिटी नहीं, बांध डाली, इतने सो स्ट्रिक्ट। हम लोग तो कितने गड़बड़ करते हैं, कितने दोष करते हैं, तो हमको थोड़ी छोड़ेगी, जो हमारे नेता को हमारे प्रभु को जो अरेस्ट कर लिया गया, हम तो उनके फॉलोअर है, बहुत डंडा मिलेगा, डंडा पड़ेगा, हम तो यहाँ टिक नहीं सकते। बोले फिर वहाँ जा रहे, बोले वहाँ हमारे जो माँ है, हमारे प्रभु के माँ, वो इतने कृपालु है कि हमारे गौर ठाकुर ने, सचिनंदन गौर हरि ने, इतने बदमाशी था, एक दिन तेल मांगा, बोला मैं गंगा में स्नान करने जाऊँ, तेल लाओ माँ, घर में तेल था ही नहीं, गरीब ब्राह्मण परिवार था, यह तो राज परिवार था, यहाँ गरीब ब्राह्मण परिवार था, जगन्नाथ मिश्र के उपरांत में वो नहीं थे,
घर में कोई नहीं थे, बड़े भाभी जा चुका था, तो उन्होंने हटात स्कूल से आया, मतलब गंगा नहाने तेल दो तेल लगा कर जाऊँगा। घर में तेल नहीं था, माँ बोला कि बेटा मैं अभी दूसरे घर से मांग करके लाती हूँ, थोड़ा सा सब्र कर। बस इतने में सहन नहीं हुआ, घर में जितने बर्तन था सब तोड़ताड़ कर खत्म कर दिया, जितने दूध दही तेल सब घर को पूरा था। तो माँ ने कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ करके समझाया उनको, बोला बेटा ये सब तो तेरा ही है, मैं तो वृद्धा हो चुकी हूँ, हम तो चले जाएंगे, सारे घर संपत्ति तो तेरा ही है, जो भी है तो उसको इस प्रकार सब नष्ट भ्रष्ट करोगे, किसके लाश होगा, किसके ऊपर गुस्सा दिखा दिया। तो फिर उनको गोद में लेकर के इस प्रकार समझा करके उनको संदेश दिए खिलाने के लिए, बोले बेटा ऐसे नहीं करते, बोले इतनी बड़ी गलती किए, एक मटका नहीं पूरा घर का सारा मटका तोड़ दिए, केवल दूध दही नहीं घी तेल जितने था सबको नष्ट भ्रष्ट कर दे घर, लेकिन फिर भी माँ ने कृपा करके उनको समझाए और गोद में लेकर संदेश खिलाए, ऐसे चाहिए, नहीं तो ये हमारे पार्टी में आएंगे तो हमारा कटिया कड़ी कर देंगे, तो इसलिए यहाँ मैं नहीं रहूँगा, अब तो मुझे समझ में आ गया यहाँ हमारा चलेगा नहीं। ये एक कारण दिखा करके उन्होंने ब्रज छोड़ करके नवदीप चले गए, बोले वहीं भजूंगा, वह हमारे गौर ठाकुर ठीक है, बड़े कृपालु है, और हमारे उनके माता जी जो और उनसे ज़्यादा कृपालु है, वो इतने दोष करने पर गलती करने पर भी माफ़ करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो यहाँ तो गलती का तो पीटते हैं, इतने बड़े राज परिवार में कोई कमी थोड़ी है, लेकिन फिर भी बांध करके डांट पीट के आ गया, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और उसका उत्तर कोई नहीं दे पाए, बोले हाँ बात तो सही है। एक कारण बता करके उन्होंने ब्रज सूर्यकुंड को त्याग करके बोले यहाँ नहीं रहूँगा, वो चले गए जा करके नवदीप में रहे। नवदीप में कि तमाल जोरी करके गाँव था, वहाँ पर भक्तिनोद ठाकुर उनको फिर कोई ड्यूटी में गए थे, वहाँ कृष्णनगर में मजिस्ट्रेट थे, तो वहाँ किसी ड्यूटी में वहाँ गए थे, तो उनसे फिर मिले थे, बड़े प्रभावित थे भक्तिनोद ठाकुर। तो फिर नवदीप में उन्होंने जहाँ आज उनका समाधि भजन कुटीर है, आप लोग गए होंगे, जो भी जाते हैं जगन्नाथदास नवदीप तो दर्शन जरूर जाते हैं, तो वहाँ पर जो सामने जो वो छोटी सी कुटिया था, सामने जो थोड़े भवन जो थोड़ा भक्त लोग आते थे मिलने के लिए बहुत उनको, तो भक्त ने ठाकुर को बोले, तो बोले तुम तो बड़े आदमी हो, थोड़ा बना दो, लोग बैठेंगे इधर, धूप हो रहा है। तो भक्त ने ठाकुर ने ये निर्माण किए थे उनके कुटिया के सामने जो बैठने के लिए जो भवन, भक्त ने ठाकुर ने अपने हिसाब से उसको बनाए थे उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वहीं रहकर भजन करते। तो वहाँ से कभी कभी वो जाते थे गोद्रुम द्वीप, जाकर भक्तिनोद ठाकुर जो भागवत पाठ करते थे बैठकर सुनते थे, क्लास देते नहीं थे, जाकर के सुनने के लिए जाते थे, लेकिन उनके आचरण उनके शिक्षा उनके भजन निष्ठा ऐसा था कि भक्तिनोद ठाकुर उनको अपने गुरु करके मानते थे, बिल्कुल मानते थे। केवल भक्तिनोद ठाकुर नहीं, तभी जमाने में वृंदावन के पुरी के और नवदीप के तीनों ये गौरांग महाप्रभु क्षेत्र के जितने भी संत महात्मा है सभी उनको बहुत सम्मान देते थे और मानते थे कि ये सिद्ध महात्मा है। ब्रजवासियों के प्रति उनका बहुत सम्मान था, ऐसे मांग कर कभी मधुकरी लेते थे, जो झाड़ूदार होते हैं उनके घर से जाकर, तुम बाबा जी लोग बोले बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये झाड़ूदार है, बोले तो क्या सबसे ज़्यादा पवित्र तो वही है, ब्रज के रज वही उठाता है, बाकी कोई नहीं उठाते हैं, ब्रज के रज उनका साथ ज़्यादा लगता था, इसलिए उनके घर में खाना अच्छा है। उनका इस प्रकार का विचार था। एक समय उन्होंने नवदीप में भजन करते थे, हठात ऐसे ऐसे हाथ पीटने लगे, क्या हुआ क्यों ऐसे कर रहे हैं, ना वो खा जा रहा है मेरा तुलसी के पेड़ को, बकरी खा जा रहा है, ना कोई तुलसी के पेड़ था ना कोई बकरी था, कहाँ ना मेरा भजन कुटर के सामने में लगा था, उसको बकरी खा जा रहा, कोई है नहीं देखने के लिए, उनको भगा रहा था। तो लोग हंसने लगे, बोले क्या है प्रलाप है, ऐसी तो कुछ है ही नहीं इधर, लेकिन बाद में पता लगा कर चिट्ठी लेकर के पता लगाए, तब तो दिमाग में फोन था नहीं,
कि जहाँ उनका भजन स्थला था सूर्य कुंड में, वहाँ एक समय एक बकरी आ गया था और उनको भगा दिया उन्होंने, यहाँ बैठ कर नवदीप में बैठ करके वृंदावन के भगा दिया। तो इस प्रकार के उनके भजन निष्ठा था। वास्तविक वृंदावन और नवदीप को एक मानते थे उन्होंने, इसलिए यहाँ भी बैठ करके वहाँ के आसन लेते थे। और उनका जो असली कारण था नवदीप कहने का, वही था कि वहाँ के तभी जमाने में बाबा जी लोग तो सब गौड़ीय मठ था ही नहीं, गौड़िया थे ही नहीं, क्योंकि भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद अभी एक्टिव नहीं हुए थे। तो बाबा जी लोग ने गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान को नवदीप में मानते थे। आज भी आप लोग जाएंगे ना, एक जोगपीठ उधर है नवदीप में, कभी देखे आप लोग ने? दो जोगपीठ होता है, एक तो मायापुर में है, एक नवदीप में है। वहाँ भी सही नीम ताला है और सेम जगन्नाथ में सब सची देवी जैसे घर इधर मन हु बहु ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है। तो लेकिन जगन्नदास जी महाराज बाबा जी का भक्ति तर्क उनको नहीं मानते थे। जब भक्ति विनोद ठाकुर रिसर्च किए उनके ऊपर गोरा अविर्भाव स्थान को देखने के लिए, उनको बोले गंगा के उस तट पर होना चाहिए, पूर्व तट पर, ये पश्चिम तट पर कैसे किए क्या कि बहुत उनके ऊपर गवेषणा किए थे भक्ति विनोद ठाकुर ने। जब जगन्नाथ बाबाजी को पता चला, बोला ये केदारनाथ ने कुछ करेगा और मुझे उसकी मदद करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का जो प्रचार की भावना था उसको बहुत प्रोत्साहन करते थे जगन्नाथ बाबाजी महाराज, यद्यपि स्वयं महाभजनानंदी थे। मैं कभी कभी जब उनको देखता हूँ वही सोचता हूँ कि देखो ये हमारे महापुरुष हैं, हमारे परंपरा के हमारे आदर्श हैं। आजकल लोग प्राणायाम आसन योग करने के लिए कितने इंटरेस्टेड होते हैं और शरीर को तंदुरुस्त रखें, सीधा रखें, कुछ रखें, ये हमारे आचार्य थे। भजन के लिए इतने थे, देह की ज्ञान ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही हो गए थे, बैंड हो गए थे, मेरुदंड भी टेढ़ा बंका हो चुका था और गला भी हो जाता था, गला कभी सीधा नहीं होता था, आँख भी नहीं खोल पाते थे। कुछ देखने के लिए बिहारी आकर हाथ पकड़ कर आँख खोलता था, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ते। सब ऐसे हो चुके थे लेकिन फिर भी माला हाथ में पकड़े हुए थे। शरीर में वस्त्र है कि नहीं, कोपिन है कि नहीं, पता नहीं रहता था। इस अवस्था में भजन के प्रति जो रुचि उनका था, माला जपने के प्रति, अब अगर वो योग प्रणाम थोड़ा करते, बिल्कुल हट्टे कट्टे होकर बैठ करके अपने देखा, तो बोले नहीं, ये सब रस ये महात्मा के नहीं है, ये हमारे परंपरा के भजन रस है। शरीर को ऐसे ही शरीर क्षणस्था ये टेम्परेरी मर रहा है, मर जाएगा, कितने भी मजबूत करके कितने महाजोगी प्राणायाम करते रहो शरीर को टिका नहीं सकते, ड्यू डेट में वो एक्सपायरी हो जाएगा। लेकिन ये जो नामामृत है जो भजन, वो एक्सपायरी नहीं होगा, हमेशा साथ में जाएगा रहेगा। इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं ये गौड़ीय भक्तगण। तो इसमें जगन्नाथ बाबाजी महाराज उनके, हम तो उनको देखे नहीं, उनके चित्र को देख करके समझ पाते हैं कितने भजन निष्ठ थे। शरीर के परे थे, शरीर के ध्यान कुछ नहीं रहता था उनको, लेकिन भजन के प्रभाव से लगभग 125 साल तक उन्होंने रहे धरती पर, भजन किए थे 125 साल तक, लेकिन इस अवस्था में रहे। आजकल बड़े बड़े योगी राज भी इतने साल नहीं रह सकते हैं इतने योग प्रणाम करने के बाद भी, लेकिन वो केवल भजन के प्रभाव से और कुछ नहीं, इसी में रहते थे। तो इस अवस्था में जो भक्ति विनोद ठाकुर को प्रोत्साहन करते थे कि हाँ आप लिखो, रिसर्च करो, प्रचार की व्यवस्था करो, तो उनको बड़े सहायता करते थे। तो जब उन्होंने रिसर्च करके ये डिसाइड किए कि हर प्रकार से नवदीप में नहीं, जन्मस्थान महाप्रभु के मायापुर में ही है, गंगा के पूर्व तट पर है, और उन्होंने नक्शा बना करके वो कभी कभी देखते थे, रोते थे, बोले क्या सचमुच यही है? तो उनको दिखता था स्थान, और वो जाकर देखे कि वहाँ बहुत सारा तुलसी उगता है, तो बोले हो ना हो वही होगा। तो उनका जो संदेह था उनके हिसाब से तो यही होना चाहिए, संदेह था उसको कंफर्म करने के लिए, उस समय में वरिष्ठ तो केवल वही थे जगन्नाथ बाबाजी महाराज थे, तो उनसे कंफर्म करने के लिए गए, क्योंकि बाकी सभी लोग मानते थे नवदीप में है जो पीठ,
जन्मस्थान। उनका उनका युक्ति था कि गंगा जी कोर्स परिवर्तन करता है, कभी इधर कभी उधर, ना कितने भी परिवर्तन करे जो पूर्व पूर्व में रहेगा, पूर्व तक कभी पश्चिम नहीं होगा। जब शास्त्र कहता है कि महाप्रभु के गंगा के पूर्व तट पर था, गंगा कितने भी करे ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने जाकर जगन्नाथ व्यास महाराज ने अपने रिसर्च का सारे सब ठिकाना दिखाया, जगन्नाथ व्यास महाराज अप्रूव के बोले यस मुझे लेकर चलो, कहाँ पर मुझे दिखा मैं देखता हूँ। तो कीर्तन के साथ में भक्तिनोद ठाकुर साथ में थे, बिहारी जी उनको टोकरी में उठा करके ले करके नौका पार करके गंगा पार करके मायापुर आए, मायापुर से कीर्तन के साथ लेकर जा रहे थे उस जगह पर। तो बिल्कुल आंख तो बंद है, शरीर भी बैंड है, वो टोकरी के ऊपर ऊपर बैठे थे। बिहारी जी बड़े हट्टा कट्टा आदमी थे, उनके ऊपर में बैठा सर में लेकर जाते थे। जब जा रहे थे जहाँ वो जोगपट जहाँ है, उस स्थान जब आया तो खेती के बीच में कोई था नहीं, उस स्थान जैसे आया ऊपर से जंप किए, जंप करके गौर 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 करके नाचने लगे हाथ उठा करके। तब बोले क्या, बोले यही तो स्थान यही है, इसलिए गौर आविर्भाव भूमिस्तंग निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हम उन श्री जगन्नाथ बाबाजी महाराज जो वैष्णव के सार्वभौम नेता थे, जिन्होंने गौरंग महाप्रभु के आविर्भूत स्थान को निर्दिष्ट करके बताया कि हैं दिस इज इट, और इसी वजह से भक्तों ठाकुर पूर्ण विश्वास था उनके ऊपर, उन्होंने माने और भिक्षा करके एक एक रुपया सबसे कलेक्शन कर, जब उन जो यहाँ मंदिर बनाना चाहे, जो मंदिर हम आज दर्शन कर रहे हैं भक्तिनोद ठाकुर के द्वारा वो निर्मित उसको कंप्लीट किए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाल ने बनाए थे, जब उन्होंने नींव खोदे तो वहाँ से वो अधोक्षज विष्णु जो जगन्नाथ दास जगन्नाथ मिश्र के पूजित शालग्राम थे, अधोक्षज शिला विष्णु वो प्राप्त हुआ। तो दैट मेक्स कन्फर्म द यस यही स्थान है, उनका शिला भी यही मिट्टी के नीचे रह गया था, उनके घर यहीं था गंगा तट पर, वो कन्फर्मेशन हुआ। तो जिसको पहले से श्री जगन्नाथ दास महाराज अपने दिव्य चक्षु से देख करके, अपने प्रेम चक्षु से देख करके निर्दिष्ट कर दिए थे, सर्टिफाई किए थे उसको। तो ये जगन्नाथ दास महाराज का जितने भी गौड़ीय हैं महाप्रभु के अनुयायी सभी के लिए महान अवदान है, क्योंकि महाप्रभु के जन्मस्थिति स्थान को उन्होंने ही निश्चित किए, नहीं तो अभी तक लोकलोचन में अनिश्चित था। तो ये बहुत बड़े अवदान थे। तो उन्होंने इस प्रकार ये घटना होने के बाद में लोगों का उनके प्रति निष्ठा तो और बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया, लोग प्रास उनके ऊपर आने लगे। लेकिन वही अपने निष्ठा उन्होंने रहते थे भजन में, किससे ज़्यादा बातचीत नहीं, भक्तिनोद ठाकुर आने से उनके पास बैठते थे, उनको सुनते थे, उनके पास भी जाया करते थे कभी कभी गंगा पार करके गोद्रुम में कथा सुनने के लिए उनसे। ऐसे आता है कि एक समय उनका गंगा के किनारे, आजकल तो गंगा थोड़ा दूर चला गया वहाँ भजन कुटीर से, वहाँ एक कुत्ता रहता था, और कुछ कुत्ता के सब बच्चे हुए, तो जब बिहारी जी उनको भोजन के प्लेट देते थे तो ये कुत्ते के बच्चे आकर के उनके साथ एक साथ में एक थाली में बैठ कर खाते थे, उनको अच्छा नहीं लगा, बिहारी को हटा दिया, उनको हटा दिया, तो उन्होंने बोले मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, रूठ गए। अरे क्यों नहीं खाएंगे, ना तो धामवासी को तुम हटा दिया, क्यों वहाँ खा रहे थे, इतने निष्ठा था। यहाँ भी ब्रज में थे, झाड़ूदार के मेहंतर के घर में मांग कर खाना, और यहाँ कुत्ते के साथ एक प्लेट में खाते थे, बोलते धामवासी, उनका ऐसी निष्ठा था। तो एक समय किसी ने उनको कलकत्ता वगैरह से बहुत लोग आते थे जो साधारण लोग, उनको कुछ धन दिए देते थे कुछ, तो जब देते थे वो उनको तो दिखाई नहीं पड़ता था, बिहारी रखते थे सब, जो भी देखना देते थे दर्शन के बाद में, उनका सरभंड था बिहारी जो रखते थे। तो एक दिन आकर बोले बिहारी मेरे जी दक्षिणा सब मुझे दो, तो रखा मुझे दो दो सब निकाल कर। तो बिहारी जी ने बोले बाबाजी महाराज क्या करेंगे, वो 10-12 रुपये से निकाल कर अपने पास रखा, बोला खर्चा पच्चा के लिए, बाकी उनको दे दिया। वो देख नहीं सकते थे, हाथ में पकड़े
पकड़ बोले तू 12 रुपए क्यों रखा अपने पास, उसको भी दो बिना मांगे दे दिए और उसको रखे रहे। रख करके बोले मुझे भंडारा करना है, धामवासी को बुला कर उनको फिस्ट करके खिला दिए। बोले आप यही करना, बोले नहीं वो रखने से मुझे कटता है धन रखने से, मेरा अभिमुखता हूँ। धामवासी को भोजन करके खिला करके उसको उत्पादन किए। तो इसे परम वैरागी थे, उनके भजन निष्ठा से प्रभावित होकर के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में द्वारा सम्मानित भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी उनके प्रति प्रभावित थे। आज भी आप लोग नवद्वीप जाएंगे जहाँ उनका समाधि है, जहाँ उनका भजन कुटीर है, वहाँ उनके जो विग्रह हैं पूजित, जिसको पूजा करते थे, सब है गौरांग महाप्रभु सब हैं। तो वहाँ उन्होंने अंतिम श्वास पर्यंत वहीं रह करके भजन किए थे, शरीर उनके यहीं रखे। तो ऐसे महान संत, जो ऐसे भजन निष्ठ संत जिन्होंने पूरे संप्रदाय के लिए बहुत बड़े भूमिका निभाए और स्वयं भजनानंदी होते हुए भी प्रचार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत भारी योगदान था प्रचार के लिए। तो उन्होंने हमेशा ही प्रोत्साहन देते थे प्रचार के लिए, कीर्तन और प्रचार वही उनका था। एकादशी व्रत आदि भक्ति विनोद ठाकुर जब रहते थे वहाँ, एकादशी के दिन चले जाते थे उनके पास उनके साथ भजन करने के लिए। कैसे यत्नपूर्वक एकादशी व्रत करना होता है, तो बाबाजी महाराज करते थे निराहार, पूरा रात कीर्तन करना अहोरात्र, ये सब उनके भजन के रुचि और निष्ठा। इसलिए हमारे गौरांग महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में पूरी दुनिया को जो गौरवाणी प्रचार करना हुआ उनमें से उनको रखे, उनका इतना गौरव निष्ठा था। और यद्यपि उनके डायरेक्ट डिसिपल गौरकिशनदास बाबा जी नहीं थे, उनके शिष्य के शिष्य थे, जगन्नाथ बाबा जी के शिष्य थे, लेकिन क्योंकि गौरकिशनदास बाबा जी महाराज भी जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास रह करके वहाँ सिखा लेते थे, इसलिए उनको उनके बाद में हमारे गुरु परंपरा आचार्य परंपरा में उनको भी लाया गया। भक्ति विनोद ठाकुर के बाद जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उनके शिक्षा शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर और उनके शिक्षा शिष्य श्री गौरकिशनदास बाबा जी महाराज। हम जो गुद्रुम द्वीप में जाते हैं तो देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के समाधि के पास श्री गौरकिशनदास बाबा जी महाराज का समाधि भी है। तो ये तीनों महात्मा जो हमारे हम गुरु परंपरा में इमीडिएट भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के ऊपर मानते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु अपने वाणी प्रचार करने के लिए संपूर्ण विश्व में जब महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी करके गए थे, पुरी और नवद्वीप में रह गए, एक बार वृंदावन आए थे और तो कहीं गए नहीं, कुछ नहीं किए, दक्षिण भारत घूमने लगे थे, बाकी उत्तर भारत साइड आए नहीं, भारतवर्ष में भी अधिकांश जगह पर नहीं गए, प्रचार नहीं हो पाया था। गौड़ीय लोग तो आज भी तभी जमाने में क्या, आज भी पूरी मायापुर और नवद्वीप दैट सीट, बाकी तिलकधारी को मिलना मुश्किल है ना नहीं। आज भी अगर आप दक्षिण भारत चले जाएंगे यहाँ राधा रानी का फोटो ही नहीं मिलेगा दुकान में, मूर्ति तो दूसरी बात है फोटो ही नहीं मिलेगा देखने के लिए, इतने कट रहे हैं, कृष्ण है सब,
सोने वाले कृष्ण खड़े हुए थे, सब बड़े विशाल विशाल, लेकिन ये सब नहीं है। अब तभी जमाने के बाद कितना होगा, इस समय में भी लोग कैसे विश्वास करेंगे कि गौरंग महाप्रभु के वाणी पूरे दुनिया में प्रचार होगा। कोई एक्सेप्ट नहीं करते थे इस बात को, बोलते थे चैतन्य महाप्रभु कह गए भविष्यवाणी, लेकिन पता नहीं उसका अर्थ कुछ और होगा ऐसे। लेकिन जब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आए और उनको आज्ञा मिला उनके गुरुजी श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी से, जिन्होंने एम्पावरमेंट लिए थे श्री गोरखदास बाबाजी महाराज से, अभी अद्भुत है। गोरखदास बाबाजी महाराज के शिष्य थे, उनको शिष्य बना करके बोले विमल प्रसाद ने उनका नाम रखे थे कृष्ण वार्षभानवी देवी दैत्य। बोले हे वार्षभानवी देवी दैत्य दास, मैं आपको बोलता हूँ कभी कलकत्ता नहीं जाना जीवन में, आपका जीवन में कभी कलकत्ता नहीं जाना। और ये आदेश पा करके भक्ति सिद्धांत को पता कलकत्ता में आकर हेडक्वार्टर बनाए। ऐसे गुरु लोग पूछे आपके गुरुजी ने आपको खास आदेश दिए यू शुड नॉट गो टू कलकत्ता। बोले आप नहीं समझ पाएंगे, मैं समझता हूँ कलकत्ता क्या तो कलकत्ता में तो इस प्रकार तो उनके शिक्षा को सही प्रकार से समझने वाले श्री सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने उन्होंने आदेश किए अपने इस शिष्य में कुछ विशेष कुछ दर्शन किए। अभय बाबू तब नाम था भक्ति वेदांत स्वामी, प्रथम दर्शन में ही उनको आदेश किए तुम विदेश में जाकर प्रचार करो, नहीं तो ये एक फास्ट आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, नहीं तो हमारे चारों वैष्णव संप्रदाय में कोई भी आचार्य दरिया पार करना तो समुद्र पार करना नहीं चाहता था, क्योंकि शास्त्र में इसे पुराण में लिखा है कि समुद्र पार करके जाने से आपके जाति धर्म नष्ट हो जाता है, तो इसलिए कोई नहीं जाते थे। बड़े बड़े आचार्य जितना है कोई दरिया पार नहीं करेंगे ना इसमें रहने का। ये कि अद्भुत आचार्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वही एक आचार्य थे पूरे भारतवर्ष के जितने भी संप्रदाय के आचार्य थे, जिनका दूरदर्शन था बोलते ना। उन्होंने स्वयं ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतने विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा में लिखते थे बोलते थे, और उनके बड़े बड़े दिग्गज शिष्यों से कुछ चुन करके उन्होंने भेजे थे जर्मन इंग्लैंड तक भेजे थे, गोड़ी मठ से तरफ से अपने फाइनेंस करके भेजे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को तीन तीन बार बोले और लिखे बोले करो, तो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने और उनके अति परिणत अवस्था में बूढ़े उम्र 65-70 साल हो चुका था, तभी उन्होंने गुरु के आज्ञा पालन करने के लिए निकले और जलपथ में फ्लाइट में नहीं गए थे, समुद्री पथ में महीना दिन यात्रा करके पहुंच करके, कितने कठिनाई हम लोग सब जानते हैं। हमारी संस्था इस्कन संस्था तो बनाया नहीं था, उन्होंने बनाया और इस्कन इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना करके पूरे विश्व में पृथ्वी ते अच्छे जतन नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे इसी हरे कृष्ण नाम, उसको प्रैक्टिकली कर दिखाए जो भविष्यवाणी श्री गौरांग महाप्रभु किए थे उन्होंने कर दिखाए, और उनकी परंपरा के शक्ति वहीं से प्राप्त हुआ था। ये भजनानंदी महात्मा भजन करते हुए भी जिनका प्रचार की भावना था, ये कोई साधारण भजनानंदी को महात्मा नहीं थे, वास्तविक भजन के माध्यम से गोष्ठानंदी थे, तो उन्हें प्रचार करने का होना था। इसीलिए हमारे अल्टर में परंपरा में अभी उन्हीं को हमारे रख रखे हैं। श्री गौरांग महाप्रभु हमारे पूज्य इष्ट देव हैं, लेकिन उनके बाद में जो हम परंपरा पूजा करते हैं हमारे आचार्य परंपरा, उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी और गोरखदास बाबा जी दो बाबा जी आते हैं। यद्यपि हम बाबा जी को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि बाबा जी बन गया, लेकिन हम पूजा करते हैं दो बाबा जी हमारे जो प्रसिद्ध है। बाबा जी के वेश में भी उन्होंने सचमुच गोष्ठानंदी प्रचारक थे। अभी हमारा जो मायापुर में अद्भुत मंदिर बनेगा उसमें अल्टर में भी ये गुरु परंपरा रहेंगे, एक मेन मुख्य अल्टर में राधा माधव जी रहेंगे,
महाप्रभु पंचतत्व रहेंगे, तीन अल्टर है, एक अल्टर में पंचतत्व, एक अल्टर में राधा माधव, एक अल्टर में गुरु परंपरा। यही जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से हमारे भक्ति वेदांत स्वामी पर्यंत ये परंपरा पूजित होंगे, क्योंकि हम लोग को जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ वर्णन प्रणाली, जो कुछ शिक्षा, जो कुछ दर्शन, जो कुछ नीति नियम, सब उन्हीं से होकर के आया है। तो हमारे पूज्य है तो जगन्नाथ बाबाजी महाराज, इसलिए आज के दिन बाकी कोई हो ना हो, इस्कन भक्त तो अवश्य जाते हैं, गौड़ीय भक्त भी जाते हैं जरूर नवद्वीप में उस स्थान को दर्शन करने के लिए। और बाबा जी महाराज ने उनके जब नवद्वीप पर रहने काल में, जो वृंदावन में रहते थे, जिस प्रकार उनके भजन निष्ठ था, उनका कुछ ऐसे ही कई, हम जो कई बार गए हैं वहाँ, जो सेवक सेवा करते हैं वो बनते हैं कि ये उनके पूजित विग्रह था, ऐसा था, ये उनके सब भजन शक्ति से उन्होंने जो अद्भुत कर्म, यद्यपि कोई सही भजनानंदी महात्मा अपने शक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार के दौरान कभी कभी देखा जाता है, लेकिन वो हमेशा अपने शक्ति भजन प्रभाव को कभी व्यक्त नहीं करते थे। भजन प्रभाव को यदि व्यक्त करते हैं तो एकमात्र पूरी तरह से जगन्नाथ बाबाजी महाराज का जो सार्वभौम रूप से, सार्वजनिक रूप से जो उनका भजन के प्रभाव हम देखते हैं, वो है गौरांग महाप्रभु के बर्थ प्लेस को जो डिसीजन लेने जा रहा था, बहुत भारी विरोध हुआ था। जितने और बाबाजी संप्रदाय महाप्रभु, जितने और गौरांग महाप्रभु संप्रदाय थे, सभी ने कट्टर विरोध किए थे कि नहीं, ये नवद्वीप में यहाँ है ही नहीं। अकेले भक्ति विनोद ठाकुर बोले ना, मेरे रिसर्च में तो यहाँ हो नहीं सकता, पूर्वत पर होगा। तो उनको साथ देने के लिए ये बाबा जी जगन्नाथ बाबाजी महाराज आते थे, पूरे उनके साथ दिए, वहाँ गए और नाचे गाए कीर्तन किए, धूम मचा कर बोले दिस इज इट, यही है। तो उन्हीं के बल पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जोगपीठ के मंदिर, जो असली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थान, जो सची माता के भवन, सचिर आंगन जो है, आज उनकी कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ बाबाजी महाराज की कृपा से हम दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो हम भी नहीं दर्शन कर पाते। आज जाते हैं, यही सचिर आंगन था, यही नीम ताला था, यही महाप्रभु घाट, ये कुछ नहीं हम जान पाते, ना देख पाते, ना प्रणाम कर पाते। कम से कम ये दिव्य स्थान को, ये चिन्मय स्थान को, जगपीठ को हम जाते हैं, ये उनकी तो कृपा है, इसलिए हम डेली प्रणाम करते हैं उनको, कि गौर आविर्भाव भूमिष्टंग निर्दिष्ट सज्जन प्रिया, यही से सज्जन थे, भजन के प्रभाव से उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के स्थान को स्वयं आलोकित जान गए, और जो भक्त विनोद ठाकुर ने कहते उनको निर्दिष्ट बोले यस, यही है, यही स्थान है, और वहाँ प्रेम नृत्य किए थे, इतनी अवस्था में स्वयं उठ करके टोकरी से जा रहे थे, वहाँ से जंप किए, जंप करके नाचे, सब लोग आश्चर्य हो, बोले बाबा जी महाराज का हो क्या गया, लेकिन ये शारीरिक बल नहीं था उनका अंदर, ये दिव्य बल आ गया था, महाप्रभु के स्थान पर गए, अपने आप को रोक नहीं पाए टोकरी के ऊपर, नहीं तो चुपचाप बैठ कर अपने माला फिरते थे, वहाँ जैसे गए, गौर प्रेम का जो प्रभाव है उनको पागल कर दिया, गौरांग महाप्रभु के प्रति उनका जो प्रेम था, और गौरांग महाप्रभु के अंदर जो चिन्मय शक्ति, इसीलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं कि गौर नाम में इतनी ताकत है, गौर नाम लेने से कि प्रेम प्रकट हो जाएगा, अपराध क्षय हो जाएगा, ये गौर नाम की विशेष महिमा है, और गौर नाम से नित्यानंद राम और महिमा है। तो इसलिए उनके जो अनुयायी हैं गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद के अनुजायीगण, तो जब वो गौर निताय के अपने निजी स्थान मिथिला स्थली पास जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो ही प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप उन्होंने इतने उम्र में चल नहीं सकते हैं, टोकरी में बैठ करके बैंड हो करके माला जपने वाला वहाँ जंप करके ऊपर से कई फीट डांस करने लगे, जंप करने लगे उठ करके, गौर गौर करके गौरांग नृत्य किए। तो ये उनके, इससे पता चलता है कि कितने उच्च कोटि के गौरांग महाप्रभु प्रति समर्पित महात्मा थे उन्होंने, इसलिए वैष्णव सार्वभौम, वैष्णव में
सार्वभौम स्थिति उनको प्राप्त था। सभी वैष्णव लोग उनको मानते थे कि ये सर्वोपरि है। उनका भजन, उनके गौर गौरांग महाप्रभु जो निष्ठा, जो प्रेम, ये सर्वमान्य था। तो उन्होंने ही अपने प्रभाव से उनको निर्दिष्ट किए और बाद में जब प्रमाणित हुआ जो अधुख्य जो विष्णु शिला प्राप्त हुआ, तो ये पूरे विश्व के लिए जितने गौरांग महाप्रभु के अनुयायी हैं सभी के लिए उनके अवदान अद्वितीय रह जाएगा। उनके स्थान कोई पूरा नहीं कर सकते, उन्होंने जो करके गए और सब कुछ सामना करते। बाकी जितने संप्रदाय थे, बाबा जी इत्यादि जितने संप्रदाय, सभी के सामने भक्ति विनोद ठाकुर को सपोर्ट करने के लिए वही अकेले ही थे। तो इसलिए हम और श्रेष्ठ वैष्णव करके मानते हैं, उनके महिमा को गान करते हैं। तो आज विशेष तिथि में उन्होंने अपने प्रयाण किए थे, परम धाम को गए थे, अपने गोरधाम को गए थे उन्होंने। तो ऐसे वैष्णव जो जैसे बाबा जी महाराज थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके हमारे पास तो एक ही फोटो देखते हैं हमने। जहाँ भी जाओ, चाहे गौड़ी मठ में जाओ, चाहे इस्कन में जाओ, सेम फोटो ऐसे करके ऐसे बैठे, यहाँ तक धरती ऐसी की है ना। नहीं तो ही उनकी सिद्धावस्था, उनको ब्रज में भी जब थे तो बोलते सिद्ध महात्मा, आज भी उनके फोटो देखो सिद्ध बाबा जी आई है। ये सिद्धावस्था है, शरीर कोई फिट हो जाए इट इज नॉट सिद्धि। सिद्धावस्था है नामनिष्ठ होना, नाम में इतने रुचि आ जाना कि शरीर बिल्कुल टेढ़े मेढ़े क्या भी हो गया पता नहीं, लेकिन फिर भी माला नहीं छूटा, शरीर से वस्त्र नहीं, आंख नहीं खुलता, गर्दन टेढ़ा नहीं होता, लेकिन हाथ से माला नहीं गया। ये जो उनके शरीर उनके फोटो से हम देख पाते हैं, इससे हमको पता चलता है कि सिद्धि क्या है। नाम जप में सिद्धि उनका था ये, इसलिए सिद्ध महात्मा है, सिद्ध बाबा जी हैं। तो इसी भजन निष्ठा था उनका। तो हम लोग उन्हीं के परंपरा में है, उन्हीं के आदर्श में है। तो इसलिए हमारा हमेशा यही आदर्श होना चाहिए कि पूरे जीवन में हम जब तक शरीर हमारा रहेगा तब तक हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए भजन, और भजन के अनुकूल भजन के पूरा करने के लिए जो जो अन्य अन्य उनके सहायता कर्म वही हो सकता है, ना कि शरीर के सपोर्ट करने वाले कर्म। हाँ, शरीर के साथ भजन करते हैं लेकिन शरीर भी चलता है भजन की शक्ति माध्यम से, ना कि शरीर की शक्ति से भजन चलता है। ये जो कहना है कि हम हेल्थ ठीक रखो तो भजन करोगे, नहीं, अगर भजन ठीक रखोगे शरीर ठीक हो जाएगा, है ना। नहीं, अगर शरीर ठीक भी ना रहे तब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे माधवेंद्रपुरी पास संप्रदाय में हमारे मूल गुरु थे, महाप्रभु के गुरु के गुरु थे, उन्होंने उनके वर्णन आता है कि उन्होंने कितने रोते थे और बेड में लेटे रहते थे, शक्ति नहीं था। इस अवस्था में भी जो उन्होंने राधा रानी के श्लोक को गाते थे, इससे पता चलता है कि शरीर से कुछ मतलब नहीं है। रामचंद्रपुरी उनको समझा, उनको बोले नहीं, भाव प्रधान है वो, ये सब शारीरिक सुस्थता उसे वो कोई प्रधानता नहीं है, भाव प्रधान है। और सेम गोरकृष्ण बाबाजी महाराज में तीव्र वैराग्य, उनके भी शरीर के प्रति कोई भावना नहीं था, फिर भी उन्होंने करते। तो इसलिए ऐसे ऐसे जो महान भजन निष्ठ महात्मा, हम उनके ही अनुयायी हैं, उन्हीं के ही परंपरा में हैं। तो उन सबसे उनको देख करके, उनके फोटो को देख करके हमको ये आदर्श प्राप्त होता है कि कितने निष्ठा था भजन के प्रति, और उनके भजन के प्रणाली को सुन करके, उनके भावना को देख करके कितने उनके प्रकार समदर्शिता था, कितने सम्मान था धामवासियों के प्रति, और धाम निष्ठा भजन निष्ठा ऐसे कैसा था। ऐसे ऐसे जो सांसारिक वस्तु, इंद्रिय तृप्ति की भोग कामना, ये सबसे कई गुने परे थे, बिल्कुल ऊपर थे, कोई इसे उनको स्पर्श नहीं कर सकता था। ये सब चीज़, ये धन भोग भोग्य वस्तु
बहुत परे थे सबसे भजन के प्रभाव से। ऐसे ऐसे सज्जन महात्माओं के परंपरा में हम लोग है, इसलिए हम लोग को वास्तविक गर्व होना चाहिए। वी शुड फील प्राउड ऑफ इट दैट हम लोग उन्हीं के अनुजाई हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रेमी भजन के प्रेमी प्रेम था उनका, ऐसे ऐसे निष्ठा था। तो आज उनके तिरुभाव तिथि में कम से कम हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिनकी कृपा से हमको आज ये भेष भेग प्रणाली और जो भी कुछ सीखा, जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, धाम भी प्राप्त हुआ है, नहीं तो जोग बेटे हम कहाँ दर्शन कर पाते। जोगपीठ मायापुर में भी अभी जितने मठ हुआ है, अगर वो जोगपीठ निश्चाइड नहीं होता तब तो इस तरफ था, इस तरफ कोई था ही नहीं। वो तो मियाँपुर कल के बैठे थे वहाँ मायापुर को, लेकिन उन्हीं की कृपा से आज महाप्रभु का स्थली हम दर्शन करते हैं, आज अद्भुत मंदिर प्रकट होता है, आज इस सब सारे पूरे विश्व के हर भाषा के हर नेशनैलिटी के हर स्वभाव गुण के लोग आके इकट्ठा होकर के गौर कीर्तन कर रहे हैं, बड़े बड़े कीर्तन मला ये सब अद्भुत इस काम से प्रकट हो रहा है, इसके पीछे उन्हीं की एनर्जी काम कर रहा है। तो ऐसे महान भजन निष्ठ गौर निष्ठ महापुरुषों के आविर्भाव तिरुभाव हमारे लिए हमेशा स्मरणीय होना चाहिए, और उनके इस प्रकार की जो निष्ठा भजन को हम कैसे थोड़ा सा भी उसके प्रति हमारा रुचि बढ़े, इसके लिए आज उनके तिथि में उनके श्री चरण में हम प्रार्थना करेंगे श्रद्धांजलि के तौर पर। श्री जगन्नाथ दास महाराज यहाँ शायद पुष्पांजलि करेंगे, तो करेंगे नहीं न सच प्रोग्राम आज फास्टिंग है क्या? नहीं नहीं है ना। अच्छा, कई कई जगह में पुष्पांजलि भी करते हैं गुरुदेशवाद महाराज का, दोपहर में कहीं नहीं करते हैं। तो ठीक है, कम से कम मॉर्निंग में हम लोग उनको प्रार्थना करेंगे और उनको चरण में अपना हृदय की प्रार्थना करेंगे, वही हमारे श्रद्धांजलि है कि हमको उनके कृपा प्राप्त हो, जितने भी उनके परंपरा में हैं सभी उनको कृपा प्राप्त हो, ताकि इस प्रकार भगवान के भजन में अटल बुद्धि और अटल मनोभाव बने रहे जैसे उनका था। श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। गौर हरि की मानंदे।